वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं लवली और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज का जो हॉल है एक मीशो हॉल वीडियो होने वाला है, जिसमें बहुत सारा कलेक्शन तो नहीं पर आई होप आपको जो भी कलेक्शन है बहुत अच्छा लगेगा और आप मुझको मोटिवेट करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए, ये मेरी साड़ी है, ये देखिए रेड कलर की, मैरून कलर की ये साड़ी है, जिसपे प्यारा सा ग्रीन कलर का बॉर्डर है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए इसका, ये देखिए बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। और ग्रीन कलर के बॉर्डर पर ये फाइन जरी का काम है, जरी नहीं गोल्डन धागे का काम है, जिसपे कि सितारे का काम हो रहा है। ये देखिए, और इसके पल्लू पे ये टैसल्स का वर्क हो रहा है। टैसल्स भी अच्छे वाले टैसल्स हैं, चलता हुआ काम कुछ भी नहीं है पूरी साड़ी में। ये देखिए, ये देखिए मैं इसको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है पूरी साड़ी, ये यहाँ से इसका बॉर्डर स्टार्ट है। ये देखिए, ये पूरी साड़ी है, ये इसका पल्लू पार्ट है, ये इसका साड़ी का पल्लू पार्ट है। पूरी साड़ी में आप वर्क देखिए कितना प्यारा वर्क है। ये इसका बॉटम साइड है, ओके। तो पूरी साड़ी ही भरी हुई है, ये देखिए, ये देखिए पूरी साड़ी, ये देखिए पूरी साड़ी। और गोटा का पूरे में काम हो रहा है, ये गोल्डन धागे का। और ये देखिए, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं कुछ छूटा हुआ है, प्रॉपर वर्क है साड़ी में, ये देखिए। और शाइन कितना प्यारा कर रहा है, आपको शायद कैमरे में इतना क्लियर इसका कलर नहीं हो दिख रहा होगा, आई होप रेड कलर दिख रहा हो समथिंग कुछ, लेकिन ये रेड नहीं। जो मेरे पास ये साड़ी है ये मैरून कलर की साड़ी है। वैसे इस साड़ी में आई थिंक 2 से 3 और कलर कॉम्बिनेशन हैं, आप चेक कर लीजिएगा उसे। मैं इसका आपको कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मीशो में लिंक नहीं होते प्रोडक्ट्स के, इनके कोड होते हैं। सो मैं आपको कोड मेंशन कर दूंगी, आप मीशो की ऐप से उसको कोड को डाल के ये साड़ी आप सर्च कर सकते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ से वो वाला पार्ट शुरू होता है, जो आप लोग ये कमर से यहाँ से साड़ी लेते हैं ना, ये वो वाला पार्ट है। सो ये भी नहीं है कि ऊपर आएगा, प्रॉपर नीचे की तरफ से ही काम शुरू होता है, जिस तरीके से प्रॉपर साड़ी होती है। सो ये देखिए यहाँ से, और नीचे का बॉर्डर भी साथ चलता जा रहा है। ये देखिए, ये सॉरी नीचे का ही बॉर्डर है, ये देखिए मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। ये नीचे का ही बॉर्डर है, ये देखिए ये नीचे का बॉर्डर है, और बॉर्डर भी जहाँ से आप प्लेट स्टार्ट करेंगे ना नीचे की, वहीं से ही है, ये देखिए। और ऊपर का भी ये बॉर्डर वहीं से ही है, जहाँ से कि हम लोग साड़ी यहाँ से घुमा के लाते हैं ऊपर टक करने के लिए, यहाँ से प्लेट्स डाल के ऊपर टक करने के लिए लगा के लाते हैं, ये वहीं से ये बॉर्डर स्टार्ट है। सो कोई भी ऑफ वर्ड नहीं है, बहुत ही प्यारा है इसका काम भी और साड़ी भी, साड़ी की क्वालिटी। ये जो सिल्क की साड़ी, प्रॉपर सिल्क नहीं, जैसे आजकल चलता है ना विचित्रा सिल्क साड़ी, आपने नाम सुना होगा शायद, तो ये वो वाला कपड़ा है। कहीं से कुछ भी नहीं खिंच रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए मैं आपको अच्छे से खींच के दिखाती हूँ, ये देखिए मैं बहुत अच्छे से खींच रही हूँ, लेकिन कहीं से भी साड़ी और धागा हिल नहीं रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है। सो और इसका वर्क भी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए सितारे का काम जो है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए शाइन कितनी है इसमें, कितना अच्छा शाइन हो रहा है ये। और पीछे से देखिए पूरा प्रॉपर प्रॉपर सिल प्रॉपर कढ़ाई है, ये देखिए पीछे तक, और जो सितारे का काम है, सितारा भी चुपका हुआ सितारा नहीं है, सितारे पे सिलाई होके तभी इनको कंबाइन किया गया है। ये देखिए इसका बॉर्डर वर्क भी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा बॉर्डर है, ये देखिए, ये देखिए विथ शाइन। अब इसकी हम ब्लाउज़ की बात करते हैं, तो ब्लाउज़ देखिए पूरा हैवी ब्लाउज़ है, बिल्कुल मन को छू लेने वाला ब्लाउज़ है। ये देखिए ब्लाउज़ से तो साड़ी में और 4 चांद लग रहे हैं। ये इसका, चाहे आप बैक पीस बनाइए इसको या फिर फ्रंट बनाइए, क्योंकि ये इसका एक पीस ये है और इसका इसका एक पीस ये है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा जड़ा हुआ काम है, ये देखिए। और स्लीव्स की बात करूँ तो ये इसकी स्लीव्स हैं, 1 एंड
स्लीव्स चाहे आप पूरी, आई थिंक ये देखिए पूरी पूरा काम है, चाहे आप उसको एल्बो तक बनवाइए या हाफ यहाँ तक बनवाइए, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक बनवाएंगे। बाकी वर्क पूरा है, कहीं पे भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। तो रेंज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल साड़ी है। मैंने ये साड़ी अबाउट 750 की परचेज की है, तो 10-20 रुपये या कैसे भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो आप चेक कर लेना। तो मैं लिंक, सॉरी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपने मीशो अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो मीशो डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसको आपको फर्स्ट परचेज पे 30% ऑफ या फिर 30% ऑफ या फिर 100 रुपीज़ अप टू आपको ऑफ मिल सकता है। सो हाईली रिकमेंडेड साड़ी है, चाहे वेडिंग सीजन में पहनी है आप या फिर आप किसी अपने ओकेजन पर पहनी है या किसी भी त्यौहार पर पहनी है। सो मेरी तरफ से साड़ी बहुत अच्छी है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी साड़ी पर। दूसरी साड़ी है ये, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये पिंक कलर की विद येलो कलर, कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। और साड़ी की लेंथ की बात करूँ तो वो साड़ी भी पूरी 5.5 मीटर की विथ 0.8 मीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर आपको ब्लाउज मिल रहा है। आप जैसा मर्जी स्टिच कराइए, तो ब्लाउज की लेंथ में विथ में कोई किसी तरह की कमी नहीं, मैंने पर्सनली इसको चेक किया है। सो अब इस साड़ी की बात करते हैं। ये देखिए फ्लोरल प्रिंट के साथ येलो कलर की साड़ी है, जिसमें पिंक कलर का बॉर्डर है, और पिंक कलर के बॉर्डर में भी ना गोल्डन कलर का हल्का सा एक टच दिया गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और जिससे क्या है, ये साड़ी कुछ अलग ही अट्रैक्टिव हो रही है और हैवी लुक दे रही है साड़ी को। वैसे साड़ी बहुत हल्की है, लेकिन ये देखिए इस बॉर्डर की वजह से, जिसमें इसमें का गोल्डन टच आ रहा है, उसकी वजह से ये साड़ी जो है बहुत ही हैवी लुक दे रही है। और पूरी साड़ी जो है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ऊपर की बात करूँ तो ऊपर इसमें आपको नैरो बॉर्डर मिलेगा विद गोल्डन टच के साथ, ये देखिए। और गोल्डन ऐसा नहीं है कि गोल्डन ऊपर से लगा हुआ है, ये चिपका हुआ है, ये निकल जाएगा किसी तरह की परेशानी हो, ये देखिए गोल्डन अंदर तक वीव है, ये देखिए, ये देखिए गोल्डन अंदर तक वीव है, अलग से कुछ ऐसा नहीं चिपका हुआ जो आपको लगे कि शायद साड़ी नई है तो अच्छी लग रही है लेकिन पहनते पहनते ही उतर जाएगा, तो वो वाली चीज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सो साड़ी ये देखिए, साड़ी के कपड़े की बात करूँ तो ये कॉटन ब्लेंड है, और कॉटन ब्लेंड ऐसा वाला कॉटन नहीं है जो आपको फूला फूला सा महसूस कराता है। अधिकतर कॉटन की साड़ियाँ जो होती है ना, वो बांधने के बाद टमी एरिया पे थोड़ा सा फूला फूला महसूस कराती हैं। सो ये उस तरह का कपड़ा नहीं है, कॉटन ब्लेंड वही होता है जो एक बार आपने साड़ी बांध ली वो वहीं प्रेस हो गई और आपको बहुत ही हल्का फील कराएगी। सो ये देखिए, ये साड़ी है पूरी, नीचे इसका ब्रॉड बॉर्डर है, पर ये इसका नैरो बॉर्डर है। बहुत ही प्यारी येलो मस्टर्ड सा कलर है इसका साड़ी का, और उस पर ग्रीन कलर की फ्लावर हैं विथ ग्रीन लीव्स। सो कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा है, ये देखिए बहुत प्यारी साड़ी है विथ फुल लेंथ एंड ब्रेथ, आपको किसी तरह की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और ब्लाउज ये देखिए, छोटा सा इसका पल्लू साइड है, पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा पल्लू का कलर चेंज कर दिया गया है, पिंक टोन दे दिया उसको। बाकी प्रिंटिंग देखिए सेम ही है, सेम प्रिंटिंग है, बस इसका जो ब्लाउज पार्ट है, ब्लाउज भी बहुत अच्छा है, पूरा भरा हुआ नहीं है, प्लेन ब्लाउज नहीं है। ये देखिए पिंक के ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे रोज फ्लावर बन रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और ब्लाउज में भी ऊपर नीचे जैसे साड़ी में है, ऊपर नैरो बॉर्डर है और नीचे की तरफ ब्रॉड बॉर्डर है, ये देखिए ब्रॉड बॉर्डर है। सो इसमें चाहे आप अपनी कमर पर इसको लें बॉर्डर को, या फिर अपनी स्लीव्स में लें और उस पतले वाले बॉर्डर को अपनी कमर पे आप स्टिच करवाएंगे तो उसमें लें, तो साड़ी का लुक जब आप इसके साथ पहनेंगे, बाकी की वीडियोस में ट्राई ऑन जब आपके साथ इसके साथ ऐड करूँगी, तो दोनों साड़ियों का लुक आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगा। सो मेरी तरफ से ये साड़ी भी बहुत अच्छी है साड़ियाँ, और मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ में एक लाल रंग का बटन है जिसे जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको साथ साथ मिलते रहें और मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।